ओ भाई मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। तेरे को बोला ना हमारे एडवोकेट को बुला, बोला एडवोकेट को बुला। जातिवाद पर डॉक्टर रितु सिंह वर्सेस दिल्ली पुलिस। मैं इनसे गुहार लगा रही हूँ चीख चीख कर कि मेरे एडवोकेट को 50 मीटर की दूरी पे डिटेन करके रखा है इलीगल तरीके से। आप उन्हें यहाँ पे बुलाएं, हमें नोटिस दें, हम संवैधानिक तरीके से नोटिस लेके यहाँ से चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस के सामने डॉक्टर रितु सिंह का हल्ला बोल। मैंने SHO साहब को, पुलिस प्रशासन को कहा कि ये मुझे वॉशरूम जाना, ये मुझे नहीं जाने दे रहे। कह रहे अंदर चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में वॉशरूम है। भाई साहब मेरे को डर लग रहा है आपसे, आप जा सकती हैं। मेरे वकील साहब आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरे वकील साहब को बुलाएं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। आज DU में असिस्टेंट प्रोफेसर रही डॉक्टर रितु को फिर एक बार दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। आज डॉक्टर रितु सिंह ने धरने का ऐलान किया था, लेकिन धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बसों में भरके समर्थकों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया और डॉक्टर रितु सिंह को मॉरिस नगर थाने लाया गया, लेकिन वो वहीं पर डट गई। बैठो, बोलो वकील को क्यों नहीं आने दे रहे, पूछो तो वकील को। आ जाओ साथियों, ये SHO खड़ा है, देख लीजिए। हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा जी इस फोन पे कॉल पे हैं और ये हमें नोटिस दे रहे हैं, विच इज इलीगल नोटिस। और हम इन्हें कह रहे हैं आप एक जो भी जब भी कोई विक्टिम होता है उसका वकील बिल्कुल पास में खड़ा है। हमने इन्हें बोला आप हमारे वकील को बुलाएं, हमें नोटिस सर्व कर दें। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी विल टेक द नोटिस एंड एक्सेप्ट इट। आप हमारे वकील को यहाँ पे बुलाएं। बोले सर खड़े नहीं, प्राचा साहब को डिटेन कर रखा है। ये प्राचा सर कॉल पे है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये प्राचा साहब कॉल पे है, मैं माइक पे सुना रही हूँ। मैंने SHO साहब को, पुलिस प्रशासन को कहा कि ये मुझे वॉशरूम जाना, ये मुझे नहीं जाने दे रहे। कह रहे अंदर चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में वॉशरूम है। भाई साहब मेरे को डर लग रहा है आपसे, आप जा सकती हैं। मेरे वकील साहब आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरे वकील साहब को बुलाएं। वकीलों से इतने डरते क्यों हो? आपने आशुतोष का क्या किया ये देखा ना, आप ये मेरे साथ भी एसिड अटैक करना चाह रहे हैं? आप देना, जब आप देना उस वक्त जब मेरे पास अटैक हुई, मेरे साथ अटैक हुआ तो मेरी जान को खतरा है, हमारे ड्राइवर की भी जान को खतरा है। आपको बोल रहे हैं एडवोकेट साहब को बुलाएं जो 50 कदम की दूरी पे है। ये कॉल पे है एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनको आपने इलीगली डिटेन करके रखा है। ही विल रिसीव द नोटिस एंड आई विल गो विद हिम टू द वॉशरूम, ही विल अकंपनी मी टू द वॉशरूम बिकॉज आई फील सेफ इन द प्रेजेंस ऑफ माई एडवोकेट। दैट्स इट, प्लीज कॉल माई एडवोकेट। दिस विक्टिम फ्रॉम दलित कम्युनिटी इज रिक्वेस्टिंग द मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन SHO एज वेल एज ACP राजेंद्र प्रसाद टू प्लीज अलाउ माई एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा, जो यहाँ से सिर्फ 50 कदम की दूरी पे है। आई वॉन्ट हिम टू बी हेयर, आई फील अनसेफ, आई वॉन्ट हिम टू बी हेयर, आई फील अनसेफ। आप मेरे एडवोकेट को बुलाए और नोटिस लेंगे, आप मेरे एडवोकेट को बुलाए। सर आप इन्हें बोले मेरे एडवोकेट को बुलाओ। सर दो सुनो, ये देखो, हाँ कमांडो रहे, यहाँ सीनियर ऑफिसर नहीं है कोई। अच्छा, और वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो ऑर्डर्स का पालन करते हैं। प्राचा साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ SSB के कमांडर्स हैं और कोई नहीं है, और वो ये कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप जाएं मिस्टर ACP राजेंद्र प्रसाद, प्लीज अलाउ मिस्टर महमूद प्राचा टू कम हियर एंड रिसीव योर इलीगल नोटिस। ही विल कम हियर, ही इज जस्ट 50 आई थिंक, कितना मीटर हो गए, कितना मीटर, 50 मीटर्स अवे। प्लीज कॉल हिम हियर, विल रिसीव द नोटिस, विल रिसीव द नोटिस। अ दलित विक्टिम इज लिटरली एन ए महिला, विमेन इज रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कॉल माई एडवोकेट, आई फील अनसेफ इन योर प्रेजेंस, कॉल माई एडवोकेट हियर राइट नाउ, प्लीज कॉल माई एडवोकेट। मैं इनसे गुहार लगा रही हूँ चीख चीख कर कि मेरे एडवोकेट को 50 मीटर की दूरी पे डिटेन करके रखा है इलीगल तरीके से। आप उन्हें यहाँ पे बुलाएं, हमें नोटिस दें, हम संवैधानिक तरीके से नोटिस लेके यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें नोटिस यहाँ पे दें, इमीडिएटली हमें नोटिस यहाँ पे दें। हम यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारे वकील साहब, आप देखें उस स्पॉट पर रखा उनको, वो देखें उस स्पॉट पर उन्हें रखा है और वो मेरे साथ कॉल पे हैं।
ये देख लीजिए, ये देखिए कॉल पे, ये देखिए ये कॉल पे मिस्टर महमूद प्राचा। मैं इनको बोल रही हूँ कि आप मेरे एडवोकेट साहब को बुलाएं और मुझे नोटिस दीजिए। मेरे एडवोकेट साहब को बुलाएं। एसीबी राजेंद्र प्रसाद जी, आपने लॉ नहीं पढ़ा। मैंने दलित महिला इज टेलिंग यू कि आप इंसिडेंट पे मौजूद हैं और मेरे एडवोकेट साहब को बुलाएं, है ना? बहुत खुश हो रहे हैं ना, बिकॉज यू नो यू बीइंग सपोर्टेड बाय द इलीगल पीपल विच इज आरएसएस, राइट? इसीलिए आप ये कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू कॉल माई एडवोकेट। प्लीज, आई फील अनसेफ हियर, प्लीज कॉल माई एडवोकेट। मेरे एडवोकेट को बुलाएं सर, मेरे एडवोकेट को बुलाएं, मेरे एडवोकेट को बुलाएं जो कि 50 मीटर की दूरी पे है। सर ये फिर से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप सुनो कि मेरे आप अकेले मेरे एडवोकेट को ले आओ ना, 10 लोगों को मत लाओ, आप अकेले एडवोकेट को लाओ। डर रहे हो, आप अकेले हमारे एडवोकेट साहब को ले आए, अकेले खाली शर्म बिल्कुल नहीं, आप हमारे एडवोकेट साहब को ले आए अकेले। ओ भाई मेरी बात सुन, सुन मेरी बात, तेरे को बोला ना हमारे एडवोकेट को बुला, बोला एडवोकेट को बुला, आपको बोल दिया गया हमारे एडवोकेट साहब को बुलाए। द विक्टिम इज फीलिंग अनसेफ इन योर प्रेजेंस, आप हमारे एडवोकेट को बुलाएं, आप हमारे एडवोकेट को बुलाएं। जबरदस्ती नहीं करना है कुछ भी, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है, आप हमारे जबरदस्ती है। ये देखो आप ट्रैफिक पुलिस हो, बेची खाली अपने आप को, नहीं आप हमारे वकील साहब को बुलाएं, इन्वेस्टिगेशन हमारे वकील साहब करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। आप हमारे वकील साहब को लेकर आए। ये देख लो, हाँ रिकॉर्डिंग अच्छे से करना। आप हमारे वकील साहब को बुलाएं, अगर गाड़ी पे चिपकाना कुछ तो देख लेना, मैं बता रही हूँ, तो आप लगाओ फिर हाथ, वकील साहब को बुलाओ। ये दलित महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये देख लो, मुझे धमकी दी है इस ऑफिसर ने कि बिल्कुल चिपकेगा। आप हमारे वकील साहब को बुलाएं, हमारे वकील साहब को आप बुलाएं, वकील साहब लेंगे नोटिस, प्राचा साहब लेंगे सर नोटिस। प्राचा साहब लगाओ फिर, कैसे लगाते हो, लगाओ फिर, आज हो जाए, लगाओ 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 नहीं लगाओ फिर प्राचा साहब लेंगे नोटिस, प्राचा साहब लेंगे, नहीं यू आर नॉट रिफ्यूजिंग इट, यू आर नॉट रिफ्यूजिंग इट, आर एडवोकेट विल रिसीव इट, आर एडवोकेट इज 50 meters अवे फ्रॉम हियर, ही विल रिसीव द नोटिस। आर एडवोकेट इज हियर, हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पे हैं, वो नोटिस लेंगे, हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पे हैं, उनको लेके आए अकेले, वो नोटिस लेंगे, एडवोकेट महमूद प्राचा जी नोटिस लेंगे। ए, कोई डिटेन नहीं होगा बेफालतू में, हमारे एडवोकेट साहब को बुलाएं, वो नोटिस लेंगे। अब एक काम करो ना, एक काम करो, हमारे रिफ्यूज किया, वी डिड नॉट रिफ्यूज द नोटिस, वी आर जस्ट सेइंग टू कॉल आवर एडवोकेट व्हिच इज ही इज जस्ट 50 मीटर अवे, लाइव है। और ये बोली, ये देखो बिल्कुल, मिस्टर रविंदर गोयल इज सेइंग आई एम स्केर्ड ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर्स, दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग विद माय लाइफ, सो प्लीज आप लेकर आए एडवोकेट महमूद प्राचा। ये देखो जबरदस्ती इस बंदे ने इन सीनियर ऑफिसर्स के कहने पे नोटिस पे लिखा रिफ्यूजल, वी डिड नॉट रिफ्यूज द नोटिस, वी जस्ट रिक्वेस्टेड दैट कॉल आवर एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा, वी विल रिसीव द नोटिस, एज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी विल टेक लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप एडवोकेट साहब को बुलाए, आप हमारे एडवोकेट साहब को बुलाएं, सामने खड़े हैं, वो अकेले आएंगे, कॉल आवर एडवोकेट, आप हमारे एडवोकेट साहब को बुलाएं। हाँ, चार कदम की दूरी पे है, चार कदम की दूरी पे, सामने जहाँ बैरिकेड लग रहा है, जहाँ बैरिकेड लगा है हमारे एडवोकेट साहब वहाँ पे हैं। ये जानबूझ के पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही है, सोचो हम मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बारे में। ये देखिए फिर महिला से बदतमीजी, एसीपी राजेंद्र प्रसाद महिला से बदतमीजी करते हुए, ये देखो, यू कॉलर एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा, गिव हिम नोटिस, हमें हमारे वकील चाहिए, एंड ये हमारा कानूनी राइट है कि अगर पुलिस हमारे साथ कुछ गलत कर रही है हम अपने वकील को बुला सकते हैं। आप हमारे वकील को बुलाएं, कॉलर एडवोकेट।
ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन न्याय की मांग कर रही एक दलित महिला प्रोफेसर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।